रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुसन्नफ अब्दुल रजाक में, ये हदीस आपने आज याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी के नमाज और रोजे से मुतासर ना होना, पहले देख लेना कि वह अमानतदार है कि नहीं। किसी के नमाज रोजे से मुतासर नहीं होना, पहले देख लेना कि दयानतदार है कि, देखना लोगों की जेबों पर कितनी नजरें डालता है। फरमाया बहुत सारे नमाज रोजे वाले धोखेबाजी करते हैं, दयानती ना करें, अपने ओहदे का पास रखें, अपने मनसब का ख्याल रखें। ओहदे जिस जगह आप मौजूद हैं आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा तुम में से निगरान है और जो उसकी रियाया है उसके बारे में उसने जवाब देना है। कभी भी बददियानती ना करें। हम लोगों का पहले एतमाद हासिल करते हैं, फिर उस एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, उसका नुकसान पता क्या होता है? दुनिया में सबसे कमजोर शख्स वो होता है जिस पर कोई एतबार नहीं करता। जिसका एतमाद जाया हो जाए वो आदमी बिखर जाता है। कभी भी धोखा देई की पॉलिसी ना बनाए। हम लोगों से मुफादात लेने के लिए अपने रवैये मीठे करते हैं और जब काम निकल जाता है फिर हमारे रवैये बदल जाते हैं। ये धोखा है, ये बददियानती है, इसको अल्लाह रसूल ने पसंद नहीं किया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसमें तीन बातें पाई जाए वो तो मुनाफिक है। अगरचे उलमा कहते हैं यहां मुनाफिक इतकादी मुराद नहीं, मुनाफिक अमली मुराद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुनाफिक है। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो बंदा जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो मुखालफत करे, जब अमानत रखी जाए तो बददियानती करे। ये तो बंदा मुनाफिक है। हजरत अबू नूर अली रहमा ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो एक आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई थी। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं जाती दफा ये मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूं, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? तो हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह है, ना फटी है ना खुली है। अब मैं लुट गया हूं, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहां और हीरे कहां? तो मेहरबानी करें और आप की बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं हूं बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा थैली छोड़ जा और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ मैं तीन दिन के लिए सैर करने जा रहा हूं, तीन दिन के बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगाई। वो जिस तख्त पे बैठते थे वहां गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है ना, वो गद्दा बिछा हुआ था, महमूद ने छुरी के साथ उसको फाड़ डाला और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाद कोई मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। अब वो सफाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा हुआ है। उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा ओ खुदा के बंदो उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा आए कोई ना, और यहां आया भी कोई नहीं, पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करें? शोर हो गया, सारे दरबार के मुलाजमीन इकट्ठे हो गए। एक बंदा बोला, कहने लगा फिक्र ना करो मैं कैसे बंदे को जानता हूं, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहां से फटा था, ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी। उसने कहा यार हम सारे एक एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला। वो बुला लिया उसको, उसका नाम अहमद रफूगर था। वो आया उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो मैं बड़ा कारीगर हूं। बड़े बड़े कारीगर लोग नहीं हमारे मुल्क में पाए जाते, कोई निशान छोड़ते हैं पीछे? बड़े कारीगर का पैसे होने चाहिए, बड़े बड़े कारीगर बंदे। आप यकीन करें ऐसा ऐसा फलसफा, ये उमरा इबादत है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी बड़ी नेमत है ना। तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, खैर उनकी भी ज्यादती है, इस तरह की पाबंदियां शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। अल्लाह के घर मुसलमान जब चाहे जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं जी 2000 रियाल दे जिसने 2 साल बाद भी आना है। उन्होंने पाबंदी लगाई तो हमारे एजेंटों ने भी कई खास ट्रेनिंग हासिल की हुई है, पता नहीं कहां से सीख के आए, उन्होंने भी रास्ता निकाल लिया।
एक साहब से मैंने कहा कि जनाब वो 2000 रियाल लग गया तो क्या करना है। कहने कोई मसला नहीं, पासपोर्ट नवा बनवा लो, गुंजाइश है। नहीं, हर शय का हल है। तो मैंने कहा यार अब उमरा करने जाते वक्त भी बंदा धोखा दे के जाए, अल्लाह के घर जाते वक्त भी इस तरह की हरकत करे, क्या अंदाज हाल हो गया। हर चीज का लोगों ने हल निकाल लिया, हर चीज का लोगों ने स्टाइल बना ली, ऐसा ना करें, ये दुरुस्त नहीं। अहमद रफू करके आने लगा, इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी दे। उसने सी दी, अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली, उसने बुलाया सब मुलाजमीन को, कहा किसने सिया है। कहा जनाब क्या हुआ। कहा ये फटा हुआ था किसने। कहा नहीं फटा ही नहीं। वो कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था, तो बताओ सही सिया किसने है। कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं। फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ सिया किसने। तो बुला लिया, अहमद रफू घर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है। कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से पटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी। उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहां ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहना तुम मेरी जान छोड़ो, मुजरम फड़ो पावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते। आप यकीन करें इतने सवालात होते, बेचारा हफ जाता है, ये तरीका दुरुस्त तो नहीं। एक लुट गया और दूसरा तरह तरह के सवालों के जवाब देता फिरे बेचारा। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया तन्हाई में ले जाके। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं इस तक का। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी माल ने। कहा नहीं सब, कहा मैं तन्हाई में पूछ रहा हूं, मैं उस वक्त पूछ रहा हूं जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे इतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूं उस पर अमल भी करता हूं, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर भरे दरबार में बुला लिया, मजमायाम में, मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं, उसने कहा नहीं, तो कहा बुलाओ अहमद रफू घर को। जब वह अहमद रफू घर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झोंक गई तो दुनिया समझ गई, कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया और ये छोटी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी, गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। ओ भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है, नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है, रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियां साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े,
अब वक्त आया ही थे मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े, हालात ही बदल गए। काजी खामोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा, ना रोटी की भूख लगी, ना पानी की प्यास लगी, ना नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई थी, दुनिया छोड़ गया। हजरत अबू नूर अली रहमा बोले, फरमाने लगे, याद रखो कभी बद्यांती ना करना, कभी। ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। और फरमाया, वहां तो गवाही देने वाला अहमद रफूगर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। और फरमाया, यहां तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहां फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, वहां तो रहना है और सहना है। बद्यांती मुआशरे में, इतनी बद्यांती हर जगह, उस मुआशरे का भी कुछ बनेगा जहां दवाई भी खालस ना मिले, या दवाई में भी बद्यांती हो। लोग अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गरीबों के बच्चों के रगों में जो दवाई उतारे वो भी दो नंबर, इतना बड़ा भी कोई बद्यानत मुआशरा होता है कि लोग यहां तक धंधा करें, यहां तक कि लोग लोगों की जिंदगियों से खेल जाएं और हमें एहसास तक ना हो कि कोई मर जाएगा, कोई डूब जाएगा, क्या बनेगा। और जिसने वो अपनी रजिस्टर की दवाई की, उसने 2-4 लाख रुपया लिया और उसने ये नहीं सोचा कितने इंसान मेरी वजह से मरेंगे। कत्ल सिर्फ ये तो नहीं होता गोली मार के मार देना, लोगों की जिंदगियों से लोग खेल जाते हैं, लोग तबाही कर जाते हैं, लेकिन बद्यांती से बाज नहीं आते। मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम के गुलामों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी बद्यांती, और सहाबा का ये मिजाज था, इतनी सी भी कभी उनसे गलती होती तो तड़प जाते। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।